स्टीयर क्लास हमारे चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता में मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है प्रारूपिक या निरूपक तत्व। प्रारूपिक या निरूपक तत्व से तात्पर्य क्या है? अगर आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्वों को देखें तो वे ही प्रतिरूपी, प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तत्व अपने आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है कि लिथियम व सोडियम प्रथम ग्रुप के निरूपक तत्व हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम द्वितीय वर्ग के निरूपक तत्व। यदि आवर्त में देखें तो आवर्त में मौजूद जो भी दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व हैं, वे अपने वर्ग में उपस्थित यानी दूसरा और तीसरा आवर्त इस रूप से व्यवस्थित है। तो दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं, वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी आधार पर तत्वों को उनके प्रतिनिधि तत्वों के नाम के आधार पर जाना जाता है, जैसे बोरान परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और हैलोजन परिवार के तत्व। दूसरा गुण आता है विकर्ण संबंध का। विकर्ण संबंध से ये आशय है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों से मिलते हैं जो उनके विकर्ण के सम्मुख स्थित हों, जैसे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्युमिनियम और कार्बन और सिल्वर। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, सिल्वर। तो जो तत्व विकर्ण पर, जैसे लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्युमिनियम से और बोरान की सिलिकन के साथ विकर्ण संबंधता है, इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्णी अभिमुख तत्व जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में नाभिकीय आवेश और त्रिज्या का मान लगभग समान होने के कारण इनकी ध्रुवण क्षमता समान होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तीसरा हम देखते हैं सेतु तत्व। सेतु तत्व यानी कि ब्रिज एलिमेंट तृतीय आवर्त में एक से सातवें वर्ग तक के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। सेतु तत्वों के गुण उस उपवर्ग के तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं जिसमें वो मौजूद हो। इन समानताओं के आधार पर ही नॉर्मल, संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्वों को स्थान दिया गया। यदि कोई तत्व सेतु तत्व से अधिकतम समानता रखता है तो उसे नॉर्मल तत्व कहते हैं। मतलब जब किसी तत्व की ब्रिज एलिमेंट के साथ अधिक समानता होती है या गुणों में अधिक समानता रखते हैं तो उन्हें नॉर्मल तत्व कहा जाता है। उपवर्ग के जिन तत्वों के गुण कम समानता प्रदर्शित करते हैं वे
संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व सभी बी उपवर्गों और आठवें वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में जिसमें कुल मिलाकर 18 समूह हैं, परंतु इन समूहों को मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही विकसित किया गया है और उसमें ए और बी समूहों की परिकल्पना है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व बी उपवर्ग और आठवें वर्ग के तत्व इसीलिए संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बात आती है आंतरिक संक्रमण तत्वों की, मतलब इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। आंतरिक संक्रमण तत्व, अगर आप आवर्त सारणी को देखें तो आप पाएंगे कि आवर्त सारणी में नीचे की तरफ दो श्रेणियां स्थित हैं, इनमें एक लेंथेनाइड्स और दूसरे एक्टिनाइड्स। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 यानी 58 से 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी। इन्हें इनके विशेष गुणों के कारण आवर्त सारणी के मध्य में नहीं रखा जा सकता। दोनों ही प्रकार के तत्व जिनमें लेंथेनाइड्स भी हैं और एक्टिनाइड्स भी, लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्वों के गुण आपस में मैच करते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्वों के गुण आपस में समान या मिलते जुलते होते हैं। इन्हें ही आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों को अगर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दें तो सारणी की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इन दोनों प्रकार की कैटेगरीज को आवर्त सारणी में नीचे की तरफ लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बाद में परिष्कृत हुई यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार बनी, उसके आधार पर तत्वों के अध्ययन, नए तत्वों की खोज, परमाणु द्रव्यमानों और संयोजकताओं में संशोधन की प्रक्रिया काफी हद तक आगे बढ़ी। आवर्त सारणी के बारे में आपको पता है कि आवर्त सारणी जो कि मुख्य रूप से आवर्तों में ही विभाजित है, तो आवर्त का विवरण आप जानते हो कि पूरी आवर्त सारणी को 7 आवर्तों में बांटा गया है, यानी यह पूर्ण विभाजन 7 प्रकार के आवर्तों में है, जिनमें हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जब हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्या पता चलता है? पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उपकोष में ही प्रवेश करता है, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे जिनके इलेक्ट्रॉन 2s2p कोशों में भरते हैं उन्हें लघु आवर्त कहते हैं। तीसरे आवर्त में 3s और 3p, चौथे आवर्त में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s, 3d और 4p उपकोशों में प्रवेश करता है, तो चौथा आवर्त दीर्घावर्त है। पांचवा भी दीर्घावर्त है, जबकि छठे और सातवें में इलेक्ट्रॉन 6s, 4f, 5d, 6p और
7s, 5f और 6d उपकोषों में प्रवेश करते हैं। इनमें तत्वों की संख्या भी अधिक है और इन्हीं में से दो सीरीज जिन्हें लैंथेनाइड एक्टिनाइड कहते हैं वो भी अलग की गई। तो छठे और सातवें आवर्तों को अति दीर्घ आवर्तों के रूप में जाना जाता है। अभी भी आवर्त सारणी में कुछ कमियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आवर्त सारणी से बाहर। इन कमियों को भी भविष्य में दूर करने का प्रयास किया जाएगा और यदि वैज्ञानिक ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हमें एक नई आवर्त सारणी भविष्य में देखने को मिलेगी। आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के कुछ गुण हैं जिनमें आवर्तिता होती है। तत्वों के गुणों की आवर्तिता, आवर्तिता का मतलब है कि आवर्त सारणी में आवर्त अथवा वर्ग में तत्वों के स्थान के आधार पर उनमें गुणों की आवर्तिता यानी क्रमशः नए गुणों का समायोजन अथवा विशिष्ट प्रकार के लक्षणों का आना। जब हम आवर्त में या वर्ग में परमाणु क्रमांक के रूप में तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो तत्वों के गुण क्रमिक रूप से बदलते हैं। अगले आवर्त में हमें वे ही गुण दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तित परिवर्तन ही तत्वों के गुणों में आवर्तित परिवर्तन का कारण। इस प्रकार के गुणों को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, एक वर्ग में गुणों की आवर्तिता और दूसरा आवर्त में गुणों की आवर्तिता। पिछली क्लास में हमने आपको एक विशेष चीज बताई थी कि आवर्त सारणी में दो चीजों को याद रखना है। आवर्तों में गुणों का निर्धारण बाएं से दाएं के क्रम में होता है क्योंकि आवर्त इस तरीके से व्यवस्थित है, जबकि वर्गों में आवर्तों की व्यवस्था ऐसी है। तो इसलिए गुणों का निर्धारण है बाएं से दाएं, जबकि समूहों की व्यवस्था इस प्रकार की है इसलिए समूहों के गुणों का आवर्ती निर्धारण है ऊपर से नीचे। तो जैसे कि आवर्ती गुणों का जो भी तत्वों में गुणों की आवर्तिता है उसे विशेष लक्षण और वर्ग में आवर्तिता यानी कि लक्षण या गुण वर्ग में, अब वर्ग में से तात्पर्य समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे की स्थिति बनेगी। सबसे पहला लक्षण यदि इसमें कोई आता है तो वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा जब हम आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो बाएं से दाएं का क्रम परमाणु क्रमांकों की वृद्धि का क्रम है और ऊपर से नीचे का क्रम भी परमाणु क्रमांकों की वृद्धि का क्रम होता है। किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जब क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्या में वृद्धि होगी और त्रिज्या में वृद्धि के फलस्वरूप आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो वर्ग में जो कारण आता है उसे हम लिखते हैं आयनन ऊर्जा घटती। बस हमें इसको इसी प्रकार से याद रखना है तो हमें तत्वों के गुणों की आवर्तिता सदैव याद रहेगी। जिस प्रकार आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है उसी प्रकार
इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी तत्व के एक उदासीन विलग गैसीय परमाणु द्वारा अपनी वायतम कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होने समय जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता। सपोज करिए ये एक परमाणु है, यदि यह परमाणु बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है अपनी कक्षा में, तो इस इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर इस उदासीन परमाणु पर इकाई ऋण आवेश आ जाएगा ग्रहण होने की वजह से। और ग्रहण तभी होगा कोई चीज जब एनर्जी रिलीज होगी। इस रिलीज एनर्जी की वैल्यू को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तीसरा गुण होता है वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी सहसंयोजी यौगिक में जब कोई बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घटती है, इसलिए वैद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। अब तक हमने तीन गुण देखे और तीनों ही गुणों में ऊपर से नीचे चलने पर मान कम हो रहे हैं। परमाणु त्रिज्याएं, चूंकि पदार्थ का क्रमांक बढ़ता है इसलिए परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। अभी आयनन ऊर्जा में उसकी बात कर चुके हैं, इसलिए हम लिखते हैं कि परमाणु त्रिज्या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है। आयनिक त्रिज्याएं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन के त्याग देने पर त्रिज्या कम हो जाती है, लेकिन परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ ऊपर से नीचे चलने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो त्रिज्या में कमी आनी चाहिए, लेकिन चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, इसलिए आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। किसी ताप पर किसी पदार्थ का या तत्व का ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है और उबलना क्वथनांक। किसी वर्ग में क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल का मान घटता है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक के मानों में कमी आती है। तो हमने एक गुण ले लिया गलनांक एवं क्वथनांक, ये उन तत्वों पर लागू होगा जो ठोस अवयवों के रूप में पाए जाते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक कम होता है, इसे हम लिख सकते हैं घटता है। तो गलनांक और क्वथनांक भी तत्वों का एक लक्षण है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता दिखाता है तो वो उसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है, और जब कोई त्यागने की क्षमता दिखाता है तो वो उसका अपचायक गुण है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है, यानी ऑक्सीकारक गुण घटता है और अपचायक गुण बढ़ता है। दो प्रकार के गुण ले लिए ऑक्सीकारक गुण और लिया अपचायक गुण।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटने की वजह से ऑक्सीकारक गुण घटता है जबकि अपचायक गुण बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण कम होगा तो इसका तात्पर्य है कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, और जब त्यागने का गुण अधिक होगा तो इसका मतलब है कि उसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है। तो इन लक्षणों को तत्वों के आवर्ती गुण कहते हैं, जिसका निर्धारण वर्ग में इस प्रकार से है। इन्हीं लक्षणों को हम अपनी अगली क्लास में आवर्त में डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह गुण आवर्तों में किस प्रकार बदलते हैं।